हेलो जी, सत श्री अकाल, सलाम आदाब नमस्कार जी सारिया। पिंड पंजाब के चैनल पर थोड़ा स्वागत है। होर सुनाओ जी, की हाल चाल है? मैं पूरी उम्मीद है कि तुम सारे वधिया होवोगे, ठीक ठाक होवोगे। अज हैगी जी 3 मई, तो अज ईद का त्यौहार है। सारे व्यूअर्स जी ईद दियाँ बहुत बहुत मुबारक। अज ईद उल फितर है, सारे व्यूअर्स जी ढेर सारिया मुबारक। तो हर एक त्यौहार थोड़ी जिंदगी खुशियां खेड़े लेके आए। तो त्यौहार चाहे किसी भी धर्म के नाल संबंधित हो गए जी, त्यौहार त्यौहार होंगे, सानू भाईचारक सांझ बना के रखनी चाहिए है। हर एक त्यौहार को है ना वधिया इंजॉय करना चाहिए है। तो जे तुहाडे नेड़े तेड़े कोई मुस्लिम वीर भैन रहिंदा है ना, उन्होंने कंग्रैचुलेशन दिओ जी, क्योंकि आप सब तो पहला है ना, बाद दे विच अपना कोई धर्म है, सब तो पहला आप इंसान आगे, इस करके सारे धर्मों का आप आदर सत्कार करो, क्योंकि जी कोई धर्म माड़ा नहीं हुंदा, तो ना ही सानू कोई धर्म है जिहड़ा गलत सिखाउंदा। इस करके हर धर्म का सानू हर धर्म की सानू रिस्पैक्ट करनी चाहिए है। दोबारा फिर जी तुहानू ईद दियां बहुत सारिया मुबारक। मैं इत्थे ना लैके बैठी हाँ काजू बदाम, तो आप अज मिठे चौल बनावांगे, जरदा चौल बनावांगे। तो जिहड़े ईद वाले दिन है ना, जिस तरह पाकिस्तान दे विच बहुत ज़्यादा बनाया जाता है जरदा, जिहड़ा पाकिस्तान की रैसपी है। जो अपना पंजाब सांझा सी उस टाइम उधली साइड ज़्यादा बनाया जाता है जरदा, पर हुण सारी सारे हर एक इहनू बना के खांदा। जिस तरह है ना आपां वी ब्याह हुंदा, कुछ कु चीज़ां ऐसियां जिहदे बिना अपना ब्याह संपूर्ण नहीं हुंदा, उस तरह जिहड़ा जरदा हैगा, जरदा चौल जां मिठे चौल ने। तो इत्थे जिहड़े इधरले पाकिस्तान दे विच उह मिठे चौलों के बिना कोई भी है जिहड़ी है ना ब्याह शादी है जिहड़ी उह संपूर्ण नहीं हुंदी है, ये बनदी बनदे ने। तो जिहड़े अपने इत्थे रुकूजी रहिंदे ने पंजाब दे विच जां इंडिया दे विच कितें भी रहिंदे ने जी, वह भी अपने मिठे चौल बनाउंदे ने ब्याह वाले दिन, जदों ब्याह हुंदा ना। इहनू मकलावे दे चौल भी बोलिया जांदा, जदों नवीं नूंह आउंदी आ है ना घर, उदों मिठे चौल बणदे ने, ते सारे बना के खांदे ने। अज आपां मिठे चौल ही बनावांगे। मिठे चौल ते सेवियां ज़्यादा बनाईयां जांदियां ने, ते अज आपां बनावांगे मिठे चौल। ते अपने इधर मिठे चौल जरदा चौल आपां विसाखी वाले दिन ज़्यादा बनाउंदे आ, ते अज आपां ईद आ चलो अज भी मिठे चौल बना लैंदे आ। मम्मी मेरे कोल बदाम ने, रिपन थोड़ी बदाम कड़ी है, माड़ी बहुत ज़्यादा रेड हुई पी, रिपन की अख नूं पता नहीं की हो, इन्नी लाल लाल हुई पी, एक ते स्क्रीन बहुत देखदा, जिहदा लैपटॉप रखता मैं पेटी च, हुण नीर नूं चक्कण दिंदी। मैनूं थोड़ा जिहा बदाम होर लैके आ, ये मेरे कोल बदाम ते काजू ने। आपां तुहानूं नाले रैसपी दिंदे आ जी, किस तरह आपां जिहड़े चौल ने आपां किले किले बना सकदे आगे, ते नाले आपां ईद का त्यौहार सैलीब्रेट करते हैं। मिठा से बहुत टाइम बाद मिठा बनावे, कहते नहीं बनाया अगे, खीर सेवियाँ मैं बना लें, हूँ काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया बनाइया ने। बहुत ज़्यादा सख्त है, कट्टे नहीं आता, नहीं कर दे नहीं तिखी है, पर यह सख्ती बहुत ज़्यादा है। आप भी ज़्यादा नहीं पाते चौलों में, भी थोड़ा पावे जी गर्मी आती, सर्दी च साढ़े लिए यह वरदान है। पर पता मैं नारियल लिए तुम एक गल दसदी हाँ, जिन्ना नारियल नहर के तेरिया जाता, टूंगिया के लिए वरत्या जाता, लोग उस तो अद्धा भी नहीं खाते, खास करके जी पंजाब दे विच बहुत घट नारियल खाधा जाता, कच्चा हो पानी हो वैसी जरूर खाना चाहिए सर्दी के, सेहत वास्ते बहुत ज़्यादा ये बेनीफिट ने, साडे बालों वास्ते, साडी स्किन वास्ते, सर्दी तो तुम जरूर खाओ। जां तुसीं है ना जिहड़ा इहदा तेल हुंदा, जिवें आपां कहिंदे ना तेल भी कच्ची कहानी दा तेल हुंदा, इहदा भी कच्ची कहानी दा आउंदा, कोल्ड प्रैसड नूं बोलदे ने, कोल्ड प्रैसड कोकोनट ऑयल बोलिया जांदा, इहनूं एवें कह के तुसीं लै सकदे हो। जिवें इस तरह इह हुंदे ने है ना नारियल ने, इस तरह इहनूं बिना गर्म करे ठंडा ही कढ़िया जांदा गा, प्योर हुंदा उह जमां शुद्ध, उहदे विच तुसीं खाणा बना के भी खा सकदे हो सर्दी दे विच, जां तुसीं दुध दे विच पा के भी थोड़ा जिहा तुसीं पी सकदे हो, बहुत ज़्यादा बेनीफिट ने। ये गल बिल्कुल सच्ची है जी, लोग टूना टामणिया के लिए ज़्यादा वरतते हैं, उन्ने खाते नहीं है, या नहर तैरन के लिए वरत्या जाता है। लो जी इधर आप पानी पा रहे कड़ाही के, पानी मैं 2.5 लीटर वागू पाया होना, क्योंकि अद्धा किलो अपने चौल ने, अद्धा किलो चौल के लिए मैं 2.5 किलो पानी पाया हो, तो थोड़ा जहाँ पावे फूड कलर, जो थोड़े को फूड कलर नहीं है तुम हल्दी पा लो, कई भी उस लगता होगा है ना भी जोड़ा हल्दी का रंग है और हल्दी का स्वाद है वह अपने ये आऊगा चौलों च, बिल्कुल नहीं आता जी, जो थोड़ी हल्दी पावे बिल्कुल भी नहीं आता है। कुछ भी कुछ कहेंगे जी फूड कलर हेल्दी नहीं होंगे, बिल्कुल जी फूड कलर हेल्दी नहीं होंगे, पर कदे कदे कोई नुकसान नहीं होंगे ना, जो आप डेली फूड कलर आप वरतते हैं है ना इस्तेमाल करते हैं, फिर बिल्कुल भी हेल्दी नहीं, पर जो हम आप चौल रोज ही बनाने
ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੂਡ ਕਲਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਲੱਡੂ ਵਗੈਰਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਉਬਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਭਿਉਂ ਕੇ ਚੌਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਇਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਿਊਰਸ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਬਾਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਝੂਪੜ ਨੂੰ ਉਬਾਲਾਂਗੇ ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਟਾਰਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਚੌਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲੇ ਖਿਲੇ ਬਣਨਗੇ, ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਚੌਲ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆਗੇ ਹਨਾ, ਵਿੱਚੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਚੀਨੀ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਖਿਲੇ ਖਿਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਚਿਪਚਿਪੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਹਿਮ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉਬਾਲਣਾ ਵਾਰ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਉਨਾ ਟਾਈਮ ਉਬਾਲਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ 80% ਨਹੀਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ। 20% ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, 80% ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਕਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੰਗੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, 3-4 ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚੌਲ ਪੱਕਦੇ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਕਾਉਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਰੁਕ ਜੂਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਚੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਚੌਲ ਆਪਾਂ ਛਾਣ ਲਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਕੜਾਹੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਰੱਖ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੌਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 'ਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਚੌਲ ਨਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ 'ਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਤੇਲ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ 2-3 ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਦਾ ਪੀਸ, 2-3 ਲੌਂਗ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਘਿਓ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦੁਬਾਰੇ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਛਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰਮ ਕਰਿਆ ਉਧਰਲੀ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਛਾਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਘਿਓ ਘੋਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁਣ ਕਿੜਕਿੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲੱਸੀ ਦਾ ਦਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਇਹ ਘਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਸੇ ਦੀ ਲੱਸੀ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਮੁੱਢਲੀ ਕਿਚਨ 'ਚ ਗਈ ਜੀ ਘੋਲ ਕਰ ਗਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਕੱਟਿਆ ਸੀ, ਬਦਾਮ, ਕਾਜੂ ਉਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਚੀਨੀ, ਚੀਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਇਓ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੌਲ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਪਕਾਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 80% ਪਕਾਉਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 20% ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਣੀ ਕੱਚੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੌਲ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੱਕਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
सारा जो इन्हों का दुध पाया जाए तो पानी पाए जो सुक गया जी उस तो बाद अपने चौल नहीं जो बन के तैयार हो जाएंगे। लो जी पानी बिल्कुल खत्म हो गया अपने चौलों के सुक गए ने यह तो आप बंद कर दें इंडक्शन खत्म है पानी बिल्कुल चौल अपने बन के तैयार हो गए आप थले उतार दें चलो चौल मैं थले उतारते मैं घ्यो गर्म होने वास्ते रख दें मेरे को हैगी टूटी फ्रूटी ये तुम पीले चौल नहीं है ना जो लाल ज हरी पा सकते हो रंग के हिसाब न पा लियो जी कि रंग ये मैचिंग करूँगा रंग मैचिंग बनवा दो ठीक है। है ने कुछ दाखा उस मैं नहीं पाइया से ये पानी च भिंती हुई ने पानी च भिंक मैं चंकी तरह नचोड़ रही ने पहला मैं पता नहीं भी घर भी दाखा है ने नहीं जी आप बिंदल पहला पा लेंगे हम आप पाइए कहते ना पाइए लो जी खा लो गर्म गर्म चौल बहुत ज्यादा टेस्टी बने ने बाकी मैं अंदर खवानी सारे दसनगे किस तरह बने तुसी खा लो पहला चलो जी आप अज्ज दे व्लॉग दा एंड इत्थे कर देंगे दोबारा फिर तुहानू ईद दियां बहुत बहुत मुबारक मिलदे हां जी फिर नैक्सट व्लॉग दे नाल तद तक दे लई सत श्री अकाल मेरा वसदा रहे पंजाब खुश रहो आबाद रहो हसते रहो वसते रहो बाय।